हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया। क्या मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं आपका दोस्त राहुल, हमने पिछली वीडियोस में साथ में बहुत कुछ सीखा है। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। हमने अब तक जाना था कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, रेखा चित्र भी बनाकर देखे और प्रतिबिंब के साइज और प्रकृति पर भी चर्चा की। CFP जैसे पॉइंट को अंकित किया, R और F जैसी दूरी पर भी बात की। ये दूरी, ये साइज, क्या इन सब मूल्यों से गणित का फॉर्मूला बना सकते हैं? हाँ, इन अलग अलग दूरियों के बीच एक संबंध देखा गया है, जिसे दर्पण सूत्र या इंग्लिश में मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। गणित के नियम के अनुसार फॉर्मूला जानने से पहले उसकी चिन्ह परिपाटी को समझना उचित होगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसे इंग्लिश में न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहते हैं, के अनुसार 5 नियमों को जानना आवश्यक है। नंबर 1, कार्तीय सिस्टम के ओ पर दर्पण के पी को रखा जाए। नंबर 2, बिंब यानी वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही रखा जाएगा, मतलब बिंब से आता प्रकाश दर्पण पर हमेशा बाईं ओर से ही पड़ेगा। नंबर 3, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां ध्रुव यानी पोल से नापी जाएंगी। नंबर 4, मूल बिंदु की दाईं ओर की सभी दूरियां पॉजिटिव मानी जाएंगी और बाईं ओर की सभी दूरियां नेगेटिव मानी जाएंगी। नंबर 5, मुख्य अक्ष के लंबवत एवं ऊपर की दूरियां पॉजिटिव और नीचे की दूरियां नेगेटिव मानी जाएंगी। पोल से बिंब की दूरी को बिंब दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिन्हें यू और वी से दर्शाया जाता है। यदि फोकल दूरी को एफ से दर्शाया जाए तो इन तीनों मूल्यों के संबंध को दर्पण सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये सूत्र हर तरह के गोलीय दर्पण के लिए मान्य है, सिर्फ नए कार्तीय परिपाटी को ध्यान रखने की जरूरत है। बिंब दूरी हमेशा नेगेटिव रहेगी क्योंकि बिंब दर्पण के हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। उल्टे बन रहे प्रतिबिंब की दूरी को नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि वे हमेशा दर्पण के बाईं ओर ही बनेगी। इसी के विपरीत सीधे बन रहे प्रतिबिंब की दूरी को पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि वे दर्पण के दाईं ओर बनेगी। हम देखते हैं कि कभी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है तो कभी छोटा। वह कितना बड़ा या छोटा होता है यह मालूम नहीं होता। तब दर्पण सूत्र के साथ साथ एक संबंध और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आवर्धन या इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं बिंब की ऊंचाई का अनुपात है, जो हमें बताता है कि बिंब के संदर्भ में प्रतिबिंब कितने गुणा बड़ा या छोटा है। आवर्धन को m से दर्शाया जाता है, साथ ही हम बिंब एवं प्रतिबिंब दूरी के संदर्भ में भी इसे दर्शा सकते हैं। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन नेगेटिव माना जाएगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव। क्यों, कभी सोचा है? यदि हम ध्यान दें तो जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं और आभासी सीधे, और हम पहले ही जान चुके हैं कि उल्टे और सीधे प्रतिबिंब का चिन्ह कैसा होता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के आवर्धन के चिन्ह का कारण भी यही है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। कैसा लगा ये वाला टॉपिक? नई चीजें सीखने को मिली होंगी। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे अपनी दोस्त आयशा से मिलने जाना है। आपके लिए अगली वीडियो का टॉपिक भी तो डिस्कस करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।